सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप केस मामले की सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत के आदेश पर सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर संपत मीणा अदालत में पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन में मामले की जांच पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। इधर दूसरी ओर लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते बीजेपी ने अब आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, उन्होंने पार्टी से कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जो फैसला बीजेपी को 1.5 साल पहले लेना था, उसमें आखिर इतनी देरी क्यों आई? जुर्म की भंवर में फंसी उन्नाव रेप पीड़िता की नाव अब न्याय की पतवार खोज रही है। एक्सीडेंट के बाद आज चौथे दिन भी वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लेकिन एक बात बताना जरूरी है कि ये यूपी है। तुम यमराज से तो लड़ सकती हो, पर यहाँ के सिस्टम से कैसे लड़ोगी? भले ही सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन ये बात भी जग जाहिर है कि बीजेपी ने फैसला लगातार हो रही आलोचनाओं और दबाव के चलते लिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल और सीबीआई के जिम्मे की गई पड़ताल ये साबित करती है कि सेंगर साहब कितने रसूखदार हैं। ये साबित करता है कि योगी राज और यूपी पुलिस की नाकामी को। जी हां, सूबे की वही सरकार जो बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन अब तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि बेटी बचाओ नारा है या चेतावनी। उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पर सवाल ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एससी ने सीबीआई को भी 7 दिन में जांच पूरी करने की डेडलाइन दी है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने तो पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर भी रिपोर्ट तलब की है। शायद न्याय के मंदिर को यह अंदाजा हो गया कि एक एक करके पीड़िता का परिवार सिस्टम की भेंट चढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि नकारा प्रशासन के जैसे ही न्याय व्यवस्था से भी आम जनता का भरोसा उड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी न्याय के मंदिर में फेरी लगाना बंद कर दे। फिलहाल अब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल और सख्ती के बाद पीड़िता को न्याय मिलना तो तय माना जा रहा है, लेकिन देखना अहम होगा कि यह न्याय कितनी जल्दी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।